नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू द अनफोल्डिंग प्ले। एक और नया दिन और सफ़र चालू हो चुका है। मैं और आपकी प्यारी बटरू मैडम इधर ये रही निकल चुके हैं हम लोग एक नए दिन एक नए सफ़र पे घोसला गांव से, और बहुत ही प्यारा व्यू है। आज धूप आ रखी है सुबह ही सुबह, तो लग रहा है कि हमें गर्मी का सामना जो है करना पड़ेगा। बाकी ये है कि आज का डिस्टेंस जो है सेट हम लोगों ने कर रखा है, जो कि 26 किलोमीटर हम लोगों को चलना है। एवरेज से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर ज़्यादा। एक बड़ा शहर आएगा, वहाँ पे हम लोग रूम लॉज लेंगे, रुकेंगे और फिर कल आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जल्दी चालू कर दिया, करीब 7-10 पे, तो बटोर में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो है फर्स्ट हाफ तक, यानी कि मैक्सिमम 2:30 बजे तक। हम लोग वेस्टर्न घाट्स की सियादरी हिल्स को आज पीछे छोड़ रहे हैं, जो कि और पता नहीं कि अब हमें सियादरी हिल्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मिलेंगी तो अच्छा है, नहीं मिलेंगी तो बाय बाय। तो बाय बाय सियादरी, बाय बाय। तो यहाँ से 1 किलोमीटर में गांव आने वाला है वारासेड़, जहाँ पे हम लोगों को नाश्ता मिल जाएगा। सुबह सुबह चलो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। हम लोग 7:10, 7:15 पे चले थे, और मुझे लगा कितनी देर हुई होगी अभी, और घड़ी देखी तो 8:26 हो रहे हैं, और हम लोग ऑलरेडी 6 किलोमीटर कवर कर चुके हैं 26 में से। हम लोगों को जिस गाँव में वैसे पहुँचना है, आज होल्ट लेना है, उसका नाम है सिंदूरी। सिंदूरी या सिंदूरी, पर नाश्ता जो है वो 1 किलोमीटर आगे मिल जाएगा। अभी जो गांव आने वाला है उसका नाम है वारासेड़, तो वारासेड़ में नाश्ते की दुकान विशफुली होगी। गूगल मैप पे तो दिखा रहा है, और लोग भी बोल रहे थे कि आपको नाश्ता करने के लिए जो है दुकान मिल जाएगी। बटर में नाश्ता करके जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी और खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर 2-2.5 बजे से पहले कर लें तो अच्छा है। कमरा लेंगे तो फ़ायदा होता है कि आधा दिन मिले रेस्ट करने को, काम करने को। शाम को 4-5-6 बजे कमरा लेने का फ़ायदा नहीं है, कुछ घंटे के लिए पैसे भी वेस्ट जाते हैं, रेस्ट भी नहीं हो पाता ढंग से। तो बेटर यही है कि हम लोग जो है ये जो डिस्टेंस है सिंदूरी तक या फिर रूम लॉज तक का, उसे एज सून एज पॉसिबल कम्प्लीट करते हैं, और कोशिश करेंगे किसी भी हालत में 3 बजे से पहले तो हो ही जाए। इसलिए अगर मुझे जल्दी से खाना नहीं खिलाना तो पंजा मार के निंदा कर दूंगी। क्या नाम बोलते हैं, बरसाड़ी? बरसाड़ा 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 पहुंच गए। ओ मेरा खाना। जगह है बैठने की? तो भाई इस खाने के समय बटर आधे खाने पे चढ़ गई है मेरे यार। हम लोग वेसेड़ा पहुँचे हुए, पोहे का समय है, बटर को दूध पिला दिया है, मैं पोहा खाऊंगा फिर निकलेंगे थोड़ी देर में गांव वालों के साथ बैठे हुए। तब तक नाश्ता करके बटर मैं निकल गए हैं। बटर जी अपने कुछ दोस्तों से मिल रही हैं महाराष्ट्र के, इधर उधर के गाँव से। वो बेचारा छुप के अंदर घुस जा रहा है, देख रहे हो रौला, देख रहे हो बटर का। आ जा बटर, आ जा। क्या हुआ, पसंद आ गया क्या? ये क्या पूछ रहे हो भाई, हम नहीं लेके जाएंगे उसे। अच्छा ठीक है ठीक है। गाइस बटर को ना गर्मी लग रही थी चलते चलते, और हमें आउट ऑफ नोवेयर ये टब मिला, मैंने बटर को इसमें डाल दिया। क्या बटर मजे आ रहे हैं? बच गए। अब बटर को नहला दिया है ताकि बटर को गर्मी ना लगे, क्योंकि धूप और बादल, धूप बादल दोनों हो रहे हैं अभी, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी बटर मैडम का। अभी ठीक हो गया, आप देखो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर बस एक ये चीज़ बनी हुई है जिसमें पानी है। ये वैसे ढोरों के लिए है, भैंसों के लिए। भैंस गाय पानी पिए आके, इसलिए गाय वाले, इसलिए गाँव वाले बना के रखते हैं, क्योंकि काफ़ी गाय भैंस है गांव में। ये गांव में मतलब एक गाय भैंसों के लिए कम्युनिटी सर्विस है बेसिकली, और किसी भी जानवर के लिए, पक्षी भी पी सकते हैं। अब बटर ने भी नहा लिया उसमें, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। करीब 10:45 हो रहे हैं और गर्मी इतनी हो रही है क्या बताओ यार। बीच में बादल तो भी आए थे, अब दोबारा धूप आ गई है, और धूप में चलना और मुश्किल है। वो तो अच्छा हुआ हम लोगों ने जल्दी कवर कर लिया था,
तो हम लोग अभी काफी चल चुके हैं, सिर्फ 14 किलोमीटर बचा है यहाँ से। तो बेसिकली 12 किलोमीटर तो हम लोग ऑलरेडी सुबह से कर चुके हैं। अब यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे जाके एक लेफ्ट टर्न लेना है हमें, और वहाँ से करीब करीब फिर 8-9 किलोमीटर बचेगा। पर इस धूप में लगातार चलना पॉसिबल नहीं है यार। ये देखो, एक तो हमारी बटर मैडम को देखो, मैं दिखाता हूँ, सड़क छोड़ के उधर चली गई है नाले में, और ये देखो उतर के आ रही। ये देखो देखो कहाँ चली गई है, नीचे नाले से उतर के आएंगी मैडम। वहाँ चली गई थी उस साइड से उधर, अब मैडम को आना है इधर। तो चलो आओ बटर, आ जाओ। कहाँ फंस गए? रास्ता ढूंढ रही हूँ यार, आगे से शायद ये वाला रास्ता है। सही है, हाँ आओ आओ घूम के आओ। वो देखो देखो ए ए गिरी, आओ आओ और आगे से आओ, और आगे से अच्छा जी बेटे, सबके पास नहीं होता। वाह बटर, बड़े एथलीट से हो तुम तो। हाँ तो और नहीं, सुपर फिट रहती हूँ मैं हमेशा हमेशा, तेरी तरह नहीं आलसी। चल अब जल्दी आ जा। चलो चलो, देख रहे हो लाइव कमाल देख रहे हो बटर का, कैसे गड्ढे जाकर ऊपर चढ़ गए मैडम। अच्छा है वहाँ पानी भी था, थोड़ा पानी में डुबकी मार ली, एटलीस्ट बटर तो ठंडी हुई। मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं पानी में डुबकी मार लूँ, कहीं ट्यूबवेल सा मिल जाए, नहा लूँ उसके अंदर जबर करके। मतलब बाल्टी और उसमें ना इतना मज़ा नहीं आता शावर में जितना ट्यूबवेल में आता है, क्योंकि एक तो ताज़ा ठंडा पानी और ऊपर से साथ ही साथ फ्लोइंग रहता है ना एक गुड अमाउंट में, कुंड में बैठे तो मज़ा आता है। पर फिलहाल तो देखो यहाँ चाय की दुकान नहीं मिल रही है, तो कुंड तो क्या मिलेगा। और सुबह के हम लोगों के नाश्ते के जो हैं 105 रुपये लगे हैं वैसे, और अभी देखते हैं बाकी और कितने लगेंगे। आज बजट थोड़ा जाएगा ही आगे अगर हम रूम लेंगे तो, बट फिलहाल तो चाय की दुकान हो चाहे ना हो एक ब्रेक लेना है यार, कहीं बहुत चल रही धूप में। अंदर गांव में है ये, मेन रोड पे कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, चाय वाय वगैरह सिर्फ खोपड़ी में मिलेगा। कितना दूर है? 1 किलोमीटर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। वैसे ब्रेक ले लिया एक खेत में, हमें बहुत ही बड़ा सा पेड़ मिल गया था विशाल साइड में बैठने के लिए, तो बैठ गए। बटर को थोड़ा पानी पिलाया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, तो थोड़ा पानी पिला के ताकि शरीर ठंडा रहे, थोड़ी प्यास कम हो जाए। और बहुत ही प्यारे व्यू में बैठे हैं, देखो पीछे पूरी की पूरी माउंटेन रेंजेस यादरी हिल्स की। और अच्छा खासा हम लोगों को एक खेत मिल गया, और ये पेड़ है यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे आराम से, उसके बाद फिर चलेंगे। यहाँ से अब करीब करीब सिर्फ और सिर्फ 11-12 किलोमीटर रह गया है, तो कोशिश करेंगे, और अभी जो है 11:40 हो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे 15-20 मिनट या आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद हम लोग चलें और लगातार 12 किलोमीटर पार कर दें। अगर नहीं हो पाएगा तो ब्रेक लेके कर देंगे, पर वही है कि मोस्ट प्रॉब्ली 3 बजे से पहले पहुँच जाएँगे। पूरी फैमिली आ गई बटर से मिलने। क्या हो गया गाइस, क्या हो गया, क्या हो गया? चलो आ जाओ बटर, चलो चलो। तो मैं और बटर ब्रेक लेके जो है निकल चुके हैं, बटर मैडम वहाँ पीछे साइड में चल रही हैं। हाँ हम लोगों को यहाँ से करीब 4.5-5 किलोमीटर जाना है, फिर उसके बाद टर्न लेना है, मेन गांव करके एक गाँव पड़ेगा, वहाँ से हम लोगों को 4-5 किलोमीटर और बचेगा फिर। तो ऐसा है, अब बादल तो आए हैं भाई दोबारा ब्रेक लेने के बाद, देखो कब तक रहते हैं। अगर ये बादल रहें तो अच्छा ही है, हमें हेल्प हो जाएगी चलने में। ओ एक बूंद पड़ी भाई, दो बूंद पड़ी भाई, तीसरी, अरे ये क्या हो रहा है, बूंदें पड़नी चालू हो रही हैं आपके सामने सामने ही, मतलब बात करते करते तेज हो रही है यार ये तो।
अरे अरे एकदम से तेज मत हो भाई, वैसे सही है बारिश होगी तो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, बटर मैडम को ठंडक मिलेगी। देखो कैसे आराम आराम से आ रही धीरे धीरे चलते हुए। बारिश का इस ऐसी हुई है कि अपने में ही हुई है, रोड तो भीग गई है बट मैं और बटर नहीं भीग पाए हैं। अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है पर इतनी नहीं कि बटर और मैं भीग जाएं। ये देखो ऐसे लग रहा है आपको बटर भीगी हुई है, और रोड देखो ऐसा लग रहा है कितनी तेज़ बारिश हुई होगी। तो गाइस हम लोगों को शॉर्टकट में घुसने का समय आ गया है, ये मेन गांव से लेके जाएगा हमें मेन गांव से, और यहाँ से अब 7 किलोमीटर बचा है। हम लोग अब गांव के कच्चे रास्ते से जा रहे हैं, और यहाँ से मेन गांव में शायद 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर वहाँ पे हम लोगों को चाय वाय की दुकान मिलेगी, बोलना तो था किसी ने, बट अगर नहीं मिलेगी तो फिर डायरेक्ट आगे चल के ही ब्रेक लेंगे। तो हम लोग गाइस मेन गांव पहुँच गए हैं और हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है। राम मंदिर है यहाँ पे, बटर तो आते ही पसर गई है वहाँ पे। तो भैया थे, भैया मिल गए, भैया ने कहा चाय वाय पियो थोड़ी देर बैठ के। सिंदूर यहाँ से, सिंदूर नहीं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर ना 3-4 किलोमीटर रह गए बस, तक बच्चे खड़े। कहाँ चले ट्यूशन? यूट्यूबर है ना, ट्यूशन चले। नमस्ते, हाँ थैंक यू भैया। तो गाइस मैं और बटर निकल तो गए हैं मेरे गांव से और सिंदूरनी की तरफ, जो करीब करीब 3-4 किलोमीटर है। पर वहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बताया कि यार सिंदूरनी में रूम लॉज है नहीं कोई, उनके हिसाब से बोल रहे तो भी आप पता कर लेना, बट मुझे तो नहीं लगता कि है। और गूगल पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है, गूगल पे भी नहीं बता रहा है कि है वहाँ पे कोई रूम लॉज, बट हो सकता है गूगल पे ना हो क्योंकि छोटा गांव है। हम लोग जहाँ चिंचोली में रुके थे वो लॉज भी नहीं दिखा रहा था गूगल मैप्स पर था गांव में। और ये गांव जो है चिंचोली से ज़्यादा बड़ा है लोग बोल रहे हैं, तो होना चाहिए यहाँ पे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मंदिर आश्रम या फिर पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि दिन के हमारे एवरेज जो है वो कंप्लीट हो गया है, 26 हो जाएगा, मतलब जब हम लोग सिंदूर नहीं पहुँचेंगे तो 26 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका होगा। क्या है अंकल जी? पहुर। अच्छा जलगांव रोड पर है वो, पर पहुर अंकल जी इस साइड पड़ेगा ना उल्टे हाथ पे, मुझे तो इंदौर ओंकारेश्वर जाना है। मैं आगे से सीधे हाथ को लूंगा रास्ता, सिंदूरनी से सीधे हाथ को, पहुर तो उल्टे हाथ को पड़ेगा। अच्छा बीच में, पर कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? 9 तो आज नहीं जाएंगे अंकल जी, अभी सिंदूरनी में रुकेंगे। हाँ जी आज यहीं सिंदूरनी में मुकाम करेंगे, फिर कल चलेंगे आगे। गाइस हम लोग थोड़ी देर चल के दोबारा रुक गए, हमें मंदिर मिल गया था अंकल जी के साथ बैठे हुए थे, थोड़ा बात बात कर रहे थे, बोल रहे थे बाजार है आज। देखो रूम लॉस तो मिलेगा नहीं अंकल जी कह रहे उधर, पर मंदिर बहुत है, हम लोग मंदिर रुक जाएंगे। तो मैं कहा इतनी जल्दी नहीं है, 4 किलोमीटर है, आराम से चलेंगे। हम लोग को एक मंदिर मिल गया था, बटर पीछे बैठी हुई है, मैंने कहा आराम से थोड़ी देर और रेस्ट करके फिर चलेंगे। गाइस हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे तो अंकल जी जो है अपने घर से खाना ले आए, मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे, अंकल जी बोले जा रहे हो खा के जाओ थोड़ा मैं ले आता हूँ। तो अंकल जी 15-20 मिनट में, हम लोगों ने जब तक वेट किया अंकल जी खाना ले आए, रोटी और कड़ी बढ़िया खाती, फिर चलते बटर तो वहाँ सो रही है आराम से। व्यास व्यास, हाँ जी बहुत लोग देते इधर। हाँ जी ये तो है, और बटर निकल चुके हैं दोबारा, और हम काफी देर बैठ गए, करीब 1.5 घंटा ब्रेक लिया हम लोगों ने, 3 बजे हम लोगों को पहुंचना था, 3:30 बजे हम लोग चले हैं, इतना लेट हो गए हम लोग, पर कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट घर का खाना मिल गया। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में लोग जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्टिव और हेल्पफुल है, और वो लगभग रोज़ ही आपको हमारे ब्लॉग में दिखाई देता होगा जब से हम महाराष्ट्र घुसे तब से। और जो मैंने खाया था वो
कड़ी नहीं, वो स्प्राउट था। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ कि महाराष्ट्र में स्प्राउट्स काफ़ी खाते हैं लोकल्स भी, घर में इधर उधर, और इवन तो मिसल पाव भी मेनली स्प्राउट से ही बनता है। तो स्प्राउट जो है एज ए डिश काफ़ी यूज होता है महाराष्ट्र में। अभी फ़िलहाल आखिरी के 4 या 5 किलोमीटर कवर करने हैं। बटर मैडम मेरे साथ साथ चल रही हैं यहाँ पे फुल पावर। और मौसम जो है अभी अच्छा हो गया है, बादल हो गए हैं थैंकफुली, सूरज चला गया है तो चलने में दिक्कत नहीं है। आखिरी के 4-5 किलोमीटर एक ही बारी में कंप्लीट कर लेंगे। और जो अंकल खाना लाए थे उन्होंने बताया था कि रूम लॉज भी है सिंदौरी में, तो अभी कंफ्यूजन है कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि है, तो देखते हैं जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से रुकेंगे। बट आज जो है बेसिकली सिंदौरी से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि चल लिए हैं काफ़ी। कच्चा रास्ता सिर्फ गांव वालों के लिए है, मैंने ऐसा सच कोई हैवी व्हीकल देखा नहीं है और ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं दिखी जाती, इसलिए लोग या तो अपनी बैलगाड़ी या फिर बाइक वाइक लेके जा रहे हैं। और आज जो है हम लोगों को सिंदौरी में मार्केट मिलेगा जिसे बुद्ध बाजार कहते हैं, वेंसडे मार्केट। तो बेसिकली वीक में एक बार जो है ये मार्केट लगता है और काफ़ी लोग जा रहे हैं, अभी चालू हो गए दिन से जाना। आसपास 4-5 किलोमीटर के जो छोटे छोटे गांव हैं उनके लिए मार्केट है, सब्जी के लिए, कपड़े के लिए, बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, थोड़ा कुछ खरीदने के लिए खिलौने या फिर खाने के लिए। तो बेसिकली वीकली एक मिनी फेस्टिवल सा है जिसमें लोग अपनी सब्जी वब्जी भी ले आते हैं, और हफ्ते की एक बार जो है आउटिंग हो जाती है जिसमें छोटे बच्चे जो हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं। मुझे अपना बचपन याद आ गया, मैं भी गांव में कभी जाया करता था अपने नाना के साथ ऐसे। और अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग टाइम पे बाज़ार लगते हैं ये वाले। हम लोगों के उधर जहाँ मैं रहता था वहाँ पे बुध बाज़ार और मंगल बाज़ार दो होते थे, ट्यूसडे और वेंसडे, अलग अलग लोकेशन पे थोड़ा। और यहाँ पे है वेंसडे यानी बुध बाज़ार। ये देखो अम्मा जो है अभी बाज़ार ही जा रही हैं, यही मेन गाँव से आए हैं और 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जो है गाँव जा रहे हैं सब्जी वब्जी ले लें। भाई मौसम बड़ा बेईमान है, देखो सूरज आ गया फिर ये धूप बादल जो है यही ख़त्म नहीं हो रहा, पूरे दिन से गेम ही चले जा रहा है। पसीने पसीने हो चुका हूँ मैं, जैसे तैसे हिम्मत करके ये वाला पैच जो है क्लियर कर ही रहे हैं बट मैं बिना ब्रेक लिए, क्योंकि मार्केट की वजह से मेरे को एकदम से याद आया कि भीड़ भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। हाँ, और फ़ोन में अब बैटरी भी कम बची है, करीब करीब 4%, वो भी पावर सेविंग मोड पर चल रहा है, कभी भी बंद हो सकता है। तो या तो हम आपसे आगे मिलेंगे या हो सकता है एक दो वीडियो रिकॉर्ड हो पाए। शाम होने के बाद एटलीस्ट बटर को थोड़ी तसल्ली हुई है कि गर्मी कम हो गई है, और अच्छा खासा हमने ब्रेक भी ले लिया, वो भी सही हुआ। जब तक मैं खा रहा था बटर मैडम जो है सो रही थी मस्त एकदम। तो गाइस हम लोग सिंदौरी पहुँच चुके हैं और हम लोगों को बहुत ही प्यारा मंदिर मिल गया है, श्री मम्मा देवी मंदिर है, मम्मा माता विराजमान है और मेरे ख्याल से माँ दुर्गा का स्वरूप है। बाकी विट्ठल महाराज की यहाँ फ़ोटो लग रही है, उस लोकल्स थे उन्होंने मैंने पूछ लिया था, वो वहाँ पर हैं, उन्होंने बोला आप आराम से सो लगाओ तंबू, तो हम लोग यहाँ पे तंबू लगा सकते हैं क्योंकि वैसे तो वाटरप्रूफ है, हम लोग चाहें तो बाहर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा ये है कि हम लोग अंदर लगाएं, तो हम लोग मेजरली इस स्पॉट पर लगाएंगे। बहुत ही अच्छा मंदिर है यार, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और इसके जस्ट पीछे वहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे इसके पीछे, तो वहाँ पे जो है नहाने धोने की जगह है। तो बेसिकली यहाँ पे रूम लॉस तो था ही नहीं, और मैं आया तो काफ़ी लोगों से पता किया, और हमारे आने के बाद वो तो मेरी बैटरी लो थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर आधा घंटा जो है कम से कम बारिश हुई है, जो आप पानी वानी देख रहे हो ये उसी बारिश का है, आधा घंटा करीब करीब बारिश हुई है बहुत तगड़ी। और हम लोग पीछे ही ढाबे पे एक रुक गए थे, वहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, और फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैंने उनसे पूछा कि कहीं आसपास कोई मंदिर या ऐसी जगह है, तो उन्होंने बोला जस्ट बराबर में एक देवी का मंदिर है वहाँ रुक सकते हो, तो हम यहाँ आ गए हैं। अब फिलहाल ये है कि नहा धो के फ्रेश होके खाना खाने जाएंगे, पहले तंबू लगा लेते हैं, और चार्जिंग वगैरह सब चीज़ के स्पॉट है यहाँ पे। ये चार्जिंग प्लग दे रखा है यहाँ पे और सभी है, मतलब इस मंदिर में और क्या चाहिए, आराम से सोते हैं, बटर तो आते ही लेट गई हैं वहाँ पे, तो फटाफट जो है पहले तंबू लगा लेते हैं फिर कुछ काम करेंगे।
गाइस शाम से रात हो चुकी है, तम्बू अम्बू लग चुका है, नहा धो गए, फ्रेश हो गए हैं और फिलहाल बटावर में जा रहे हैं खाना लेने। मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया था, अच्छा हुआ, करीब करीब 54% चार्ज हुआ, उसके बाद लाइट चली गई, मंदिर में लाइट नहीं है। और बारिश हुई भाई काफ़ी देर, एक डेढ़ घंटा जो है बारिश हुई थी। मैं तो बल्कि भीग भी गया था, बाहर कुछ सामान लेने गया था, साबुन वाबुन। बारिश हुई इतनी तेज़ कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब कि 5 मिनट भी बाहर रहते तो भीग जाते, ऐसी बारिश हुई है। पर अब फिलहाल जो है खाना लेने जा रहे हैं बटर मैडम और मैं। बटर जी आगे आगे चल रही हैं वहाँ पे, वो देखो आगे चल रही हैं, अभी दिखाई दे रही हुई हैं आपको। यहीं पे पास में ढाबा है, बस एक ब्रिज क्रॉस करके 100 मीटर में फौजी ढाबा करके, वहाँ से खाना खा के ही आ जाएंगे। वहाँ पे जो है खाना मैं खा लूँगा, बटर को जो है, और बटर को जो है यहाँ पे खिला देंगे, क्योंकि मैं बटर का बाउल लाना भूल गया हूँ। और वहाँ पे लाइट नहीं है तो अच्छा ही है कि मैं वहाँ पे खा लूँ बैठ के, और फिर बटर को जो है वापस मंदिर में आके खिला देंगे। ये रही हमारी बटर मैडम। क्या बटर, कहाँ घूम रहे हो अकेले अकेले हैं भाई? चलो बहुत फिक्र करते हो मेरी, चलो ये लो, ये लो इधर से, लो इधर से बटर, ये लो, ये रही इधर आओ, इधर ये चाहिए क्या? ये उसको पता है कि चिकन मिलेगा वहाँ पे, आओ आओ इधर से देंगे भैया, इधर से, इधर इधर आता, हाँ बाहर बोलो, चिकन देख के दो। तो गाइस वापस आ चुके हैं बटर में, और साथ ही साथ आ चुकी है वापस लाइट, यार क्या बोले। अब बटर मैडम जो है वहाँ पे चिकन को देख के ऐसे फैलने लगी थी कि पूछो ही मत, कि मुझे अपना खाना भी पार्सल करा के लाना पड़ा। मैंने कहा वहीं ना बैठ जाएंगे मैडम, तो इसीलिए बाकी प्लानों का पनीर बटर के लिए, बटर ऑल सेट रेडी जी। बदतमीज को देख लो, उसने अब चिकन क्या चख लिया है, इसको पनीर नहीं पसंद आ रहा, देख रहे हो? ओए बटर नाटक मत करो, इधर आओ। कोई खराब नहीं हुआ है, मुझे मत बताओ। बटर मैडम तो गाइस अभी नाटक करने में लगी हुई है, बटर को नाटक करने देते हैं। मैं अपने लाया हूँ भिंडी और रोटी, जो आराम से बैठ के मैं कैंप में खाऊंगा, तब तक फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं। अभी हमारा डिनर का जो है 140 रुपये टोटल आया है, और डिनर से पहले जब मैं और बटर इसी होटल पे रुके थे तो 25 रुपये खर्च हुए थे, क्योंकि मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली थी, और उससे पहले सुबह नाश्ते में जो है 105 रुपये खर्च हुए हैं। तो आज का हमारा टोटल बेसिकली है 270 रुपये, जो कि काफ़ी सही है। और मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, वो ये है कि धीरे धीरे मेरे पे मूंछें अच्छी लगने लगी हैं लंबे वालों के साथ, या फिर ये बस मेरा वहम है, कमेंट करके बताना। बट एनी विच वेज गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफर पे, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।